NH2 होता है। केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट के कार्बोनेट। अब व्हेन ऑल द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज बीइंग रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट व्हिच ट्रेड नेम इज सोडा एस सोडा राख इसको कहते हैं। मैन्युफैक्चर कैसे बनाया जाता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अमोनिया सोडा प्रोसेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा ऑन पासिंग CO2 गैस इन ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सैचुरेटेड विद अमोनिया। ब्राइन में अमोनिया अप टू सैचुरेशन तक पास कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है जिससे कि सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है। द प्रेसिपिटेट ऑफ NaCO3 इज फिल्टर्ड। इसको छान लिया जाता है और जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। नंबर बी स्टेप है तुम्हारा। नंबर बी स्टेप है द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद वाशिंग सोडा का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला है Na2CO3 × NH2O। प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। नंबर फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन। यह पारदर्शक रबरदार हो सकता है। नंबर सेकंड इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर। यह जल में काफी घुलनशील और इसका सॉल्यूशन अल्कलाइन नेचर होता है व्हिच टर्न्स रेड विद मस्टर्ड ब्लू। नंबर थर्ड एक्शन ऑफ एयर व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वाशिंग सोडा लेफ्ट ओपन इन एयर। जब वाशिंग सोडा के क्रिस्टल को हवा में छोड़ दिया जाता है देन लूज 9 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये रवा जल का 9 अणु को त्याग देता है टू फॉर्म व्हाइट पाउडर और उजले उजला पॉटरी सब्सटेंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसको कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा Na2CO3 × NH2O एरो Na2CO3 · H2O + 9H2O। ये 9H2O वेपराइज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। इसको हम लोग एफ्लोरेसेंस कहते हैं। नंबर फोर्थ है एक्शन ऑफ हीट ताप का प्रभाव ऑन हीटिंग एट अबव 373 केल्विन। इसे 373 केल्विन से ऊपर गर्म करने पर ऑल द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बिकम वेपराइज एंड इट कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज कॉल्ड सोडा एस। एक क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया गया है Na2CO3 × NH2O अबव 373 केल्विन Na2CO3 + NH2O। नाउ इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर फर्स्ट है इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कठोर जल को मृदु करने में इस्तेमाल होता है एज ए वाशिंग एजेंट। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल वाशिंग एजेंट के रूप में होता है कपड़ा साफ करने में खासकर लॉन्ड्री। नंबर सी है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। वस्त्र उद्योग में और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर डी है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप पेपर कास्टिक सोडा एंड बोरेक्स। सोप पेपर कास्टिक सोडा और बोरेक्स बनाने में एज ए लेबोरेटरी एजेंट प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड यूज इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी एजेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। केमिकल फॉर्मूला इसका CaOCl2 होता है। या तो आप CaOCl2 लिखो या CaOCl लिखो। केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। ये सारा चीज ऑब्जेक्टिवली बहुत जरूरी है। न्यू पैटर्न में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसलिए इतना डिटेल स्टडी करवा रहे हैं। मत सोचना कि कोरोना में सब पास हो जाएगा, ऐसा बात कुछ नहीं होता है। इसलिए पढ़िए, ठीक से ध्यान से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपके लिए अच्छा होगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा।
by passing chlorine gas over dry slag line 40 degree Celsius 40 degree Celsius पर गर्म किए हुए स्लैग लाइन पर क्लोरीन गैस पास करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बनता है प्रॉपर्टीज इट इज येलोइश वाइट पाउडर ये पीला उजला रंग का पाउडर होता है इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इससे क्लोरीन का गंध निकलता है इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर या ठंडा जल में घुलनशील है गिविंग मिल्की सॉल्यूशन जल में घुलाने के बाद मिल्की सॉल्यूशन बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है थ्री लाइन प्रेजेंट होता है उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं नंबर फोर्थ है तुम्हारा रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन व्हेन इट एक्सपोज टू एयर रिएक्ट्स विद CO2 गिव्स क्लोरीन गैस रिएक्शन है तुम्हारा COCl2 प्लस O2 एरो CaCO3 प्लस Cl2 लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद गैलिक एसिड इट रिएक्ट्स विद गैलिक एसिड और H2SO4 गिव्स क्लोरीन गैस COCl2 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 फिर COCl2 प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नंबर ए है फॉर ब्लीचिंग कॉटन वुड पल्प एंड वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री कॉटन को के रंग को उड़ाने में लकड़ी के पल्प को उड़ाने में पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और होली वगैरह में जब कपड़े को रंग लग जाता है ना तो वॉशर में इसका उपयोग उस रंग को हटाने में करता है नंबर बी है फॉर डिस इन्फेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स वाटर को जर्म से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है जिससे वह वाटर पीने योग्य बन सके नंबर सी है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री प्रयोगशाला में और उद्योग धंधे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है नंबर डी है इन रेंडरिंग उल अनश्रिंकेबल रेंडरिंग का मतलब होता है सीप के या भेड़ के शरीर पर से उल को हटाना और उसको साफ करना और जब इसका स्वेटर बनाया जाता है उल बनाया जाता है तो इसका उपयोग होता है जैसे कि ऊन सिकुड़ता नहीं है ईजी जो उलन का वाष्प करने का जो लिक्विड होता है उसमें भी तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर रहता है उसका कंपोजिशन देखोगे नंबर ई है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को बनाने में कैसे बनाया जाता है इट इज अ मेटल ऑफ हाई लेवल 10 प्लस 2 इसका फॉर्मूला है तुम्हारा CaCl3 नेक्स्ट है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और यह लास्ट सॉल्ट है तुम्हारा केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है हाफ H2O को हेमी हाइड्रेट कहा जाता है या तो आप CaSO4 डॉट हाफ एच को लिखिए इट इज द रियल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये तुम्हारा सेकंड वन है प्रिपरेशन है बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इन ए क्लिंक क्लिंक इज द फर्नेस एक विशेष प्रकार का फर्नेस होता है जिसका उपयोग खासकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है तो जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2 जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ एच टू ओ प्लस वन होल वन बाय टू एच टू ओ या तो वो फॉर्मूला लिखिए रिएक्शन लिखिए या तो ये लिखिए CaSO2 CaSO4 इंटू टू एच टू ओ एरो है CaSO4 होल टू एच टू ओ प्लस थ्री एच टू ओ अब है प्रॉपर्टीज ये जो व्हाइट पाउडर ये उजला रंग का पाउडर होता है इट एब्जॉर्ब्स वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इस पर जब पानी डालोगे और हाथ पर प्लास्टर पर स्प्रे करके इसमें जब पानी डालोगे तो हाथ तुम्हारा गर्म हो जाएगा मतलब क्या एडिंग ऑफ वाटर इन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर जब इसमें पानी मिला जाता है रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा नहीं मिलाना है
तो सबसे पहले पेस्ट में बदलता है और फिर यह हार्ड हो जाता है, जिसको कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज डन ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू जिप्सम। ये तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये तुम्हारा जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नंबर फर्स्ट है इन मेकिंग मॉल्ड्स और टॉय पॉटरी एक्सेट्रा। मॉल्ड्स का मतलब होता है फार्मा बनाने। सरस्वती पूजा के अगर हम देखते होंगे जहाँ कलाकार के पास मूर्ति बनाने जाता होगा तो ऑर्नामेंट्स का या माउथ का ये सब का एक सांचा टाइप का बनाया जाता है, जिसको कि मॉल्ड्स कहा जाता है। नंबर दूसरा है इन मेकिंग स्टैचूज मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल। स्टैचू बनाने में, मॉडल बनाने में, ठीक है, जैसे कि मेडिकल लाइन में स्केलेटन बनाया जाता है इसका, और मटेरियल डेकोरेटिव पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर तीसरा इन मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन में फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजिशन, टूटे हुए हड्डी को सही जगह पर लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और दांत में जब कैविटी हो जाता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा जाता है, बहुत सारा चांदी भरवाता है। नंबर फोर्थ फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने में एंड ऑर्नमेंट डिजाइन ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग, वॉल और सीलिंग में डिजाइन बनाने में एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, अग्नि सह पदार्थ बनाने में जिस पर कि आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर सिक्स है तुम्हारा इन लेबोरेटरी फॉर सीलिंग द एयर गैप्स इन एपरेटस। एपरेटस में एयर गैप नहीं हो इसलिए यहाँ पर उसका ढक्कन वगैरह या टेप लगाया जाता है, उसके चारों तरफ इसको डाल दिया जाता है। यह वैसे एपरेटस में लागू होता है जहाँ पर कि गैस बम्पिंग के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर जल उठता है, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सो डेंजरस बिकॉज इट कॉन्टैक्ट विद एयर बंस विथ पॉप साउंड विथ एक्सप्लोजन, जिसमें कि एपरेटस फूट जाता है। तो वैसे सर स्टेज में ध्यान किसी ढंग का एक्सीडेंट नहीं हो, एयर टाइट करने के लिए एपरेटस को उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम्हारा जो है ये शॉर्ट्स का जितना है वो खत्म हो गया। अब अगले पार्ट में हम इसका इनडेप्थ क्वेश्चन और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन